अगर कोई गुनाह कहेगा तो मैं पटक के मारूंगा, भगा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। तो उसके लिए मेरी बेटी जो है कि ना वहाँ से आपको राजीव ट्रेनिंग करके, तो इसका पोस्टिंग उस थाना क्षेत्र में कराएंगे, उनका जीना हराम करा देंगे। अच्छा, उसी थाना क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में कराएंगे। ऐसे ऐसे लोग भगाए ना जो रिजल्ट खरीदते हैं, बुलेट देंगे, थार देंगे, 18-18, 20-20 हज़ार रुपया देते हैं लोगों को कि आप लोग इस आदमी को आइए और बताइए, दस को खड़ा कर दिए आदमी को बताइए। तो उन लोग मानसिक रूप से वो विकृत प्राणी लोग टीचर कहलाने लायक है ही नहीं, लिखा था वो सही हुआ कि नहीं, आइएगा। तो ऐसा ही बनी है और इतिहास में, इतिहास के पन्ना में आज फिर से एक अंक दर्ज हो गया, जो कि गुरु रहमान सर और ट्रांसजेंडर महिला, जो कि बिहार के पटना में। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत है जी, थैंक यू एंड ढेर सारा धन्यवाद आपका। क्या सर, ये जो ट्रांसजेंडर है उनको पढ़ना गुनाह है क्या? जो कोचिंग में जाती है तो कहीं कहीं भगा दिया जाता है और पढ़ाया नहीं जाता है, क्या ये ट्रांसजेंडर होना वुमेन या मैन इसे गुनाह है क्या? अगर कोई गुनाह कहेगा तो मैं पटक के मारूंगा, भगा दिया जाता है। तो उसके लिए मेरी बेटी जो है कि ना वहाँ से आपको राजीव ट्रेनिंग करके, तो इसका पोस्टिंग उस थाना क्षेत्र में कराएंगे, उनका जीना हराम करा देंगे। अच्छा, उसी थाना क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में कराएंगे। ऐसे ऐसे लोग भगाए ना जो रिजल्ट खरीदते हैं, बुलेट देंगे, थार देंगे, 18-18, 20-20 हज़ार रुपया देते हैं लोगों को कि आप लोग इस आदमी को आइए और बताइए, दस को खड़ा कर दिए आदमी को बताइए। तो उन लोग मानसिक रूप से वो विकृत प्राणी लोग टीचर कहलाने लायक है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब ट्रांसजेंडर को। मैं आप सुन लीजिए कि जो भी काम शुभ हुआ है मेरा, तो मैं ये हो जो हो, मैं इन लोग से पैसा मांगता था। सर, आप तो एक सिंह दरोगा के नाम से जाने जाते हैं और एक ट्रांसजेंडर आज पहली बार है जो कि भारत में इतिहास के पन्ना में आज दर्ज हो गया, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अद्भुत खुशी। अब तक 1994 से लेकर दो अभी तक में हमारे पास 8,039 सब इंस्पेक्टर हो गए, तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली मिला के। तो लेकिन जितनी खुशी इस 1275 में 726 प्लस मेरा रिजल्ट है, लेकिन उस 726 रिजल्ट में 723 रिजल्ट को तो हमको याद ही नहीं है। अच्छा। ये कौन है, बार बार गुरुजी हमको भूल गए। लेकिन तीन रिजल्ट जो है, ये मेरी मधु का रिजल्ट और रौनित का रिजल्ट और बंटी कुमार का रिजल्ट, ये बता दिया कि इनमें इतना दम है कि शिखंडी महाराज, मलिक सरवर, जावेद खान और मलिक काफूर ने कैसे साम्राज्य विस्तार किया होगा और शिखंडी महाराज ने कैसे धर्म की स्थापना की होगी, उस बात को आज चरितार्थ कर किया। सरकार ने 2021 में ट्रांसजेंडर को मौका दिया, ये अब आगे क्या सपना है, सरकार से क्या मांगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत 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 धन्यवाद दूंगा इस काम के लिए, क्योंकि उसी कारण एक बच्ची ट्रांसवुमेन सिपाही भी बनी है एक्साइज में। ये बच्ची भी एक्साइज में क्वालिफाई कर गई थी, लेकिन चूँकि फिजिकल में गड़बड़ा गई, कुछ कारण था इसका, पैर फ्रैक्चर हो गया था तो उससे नहीं हो पाया। तो और ये इसका पीटी हुआ था दरोगा का, लेकिन मैं उसके समय में टाइफाइड हो गया पूरी तरह से। फिर रौनी झा निकल गया, बंडी कुमार निकल गया। तो मैं सरकार को तो एक ग्रेट सैल्यूट करूँगा माननीय नीतीश कुमार को, लेकिन एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हुजूर, माई बाप, जिस तरह आपने सिपाही और दरोगा में इन लोगों को आरक्षण दिया है, तो उसी तरह बीपीएस में भी आरक्षण दीजिए, क्योंकि इन लोगों को पढ़ाने के बाद मैंने महसूस किया कि ये लोग कुछ भी कर सकता है, यूपीएससी कर सकता है। और माननीय मोदी जी से भी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर एक नज़र इधर भी हो जाए और यूपीएससी में भी आरक्षण दीजिए। और सर, क्लिप वायरल हो रहा है कि आप क्या नाम है, मधु जी के माथा पर ऐसा ही लिखे हैं, ये क्या सोच है या मीडिया में कुछ ना मीडिया वाला हमारे पास, जो कि आप लोग एक रुपया भी लिए हमसे नहीं, नहीं सर, मैंने किसी को बुलाया नहीं सर, आप लोग प्यार में आए। तो ये निश्चित रूप से मैं IAS को लिखा हूँ, IAS बनाया, IPS को लिखा, IPS बनाया। और देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि डॉक्टर के पास जब भी जाएगा तो अनुभवी के पास, वकील के पास जब भी जाएगा तो अनुभवी के पास, शिक्षक के पास जब भी जाएगा तो अनुभवी के पास, नहीं तो
पेट चीर के कैंची छोड़ देगा उसमें और मास्टर उपड़ांग करा देगा यहाँ पर। और इसलिए जो आप जो प्रश्न किए कि पहले से मीडिया में या पहले से बता नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं आप ये बात मधु से पूछिए, मैं बोलूँगा तो रवान बोल रहे हैं। अब मधु से पूछिए मैंने क्या किया था। क्या आप जब पहली बार सर इसके सिर पर भी लिखा कि इस बार एसआई ये बनेगी 2400 एसआई इस बार लिख दिए 1275 के बाद जो भाई 2400 जो बाहरी है उसमें भी इसको मैंने लिख दिया ये बनेगी। सर पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं, उधर थोड़ा दिखाइए, फिर आइएगा इंटरव्यू लेने, देखिएगा इसको कि आपने लिखा था वो सही हुआ कि नहीं। आइएगा तो मैंने अब मधु से पूछिए क्योंकि मधु की कहानी मधु की जुबानी तो होगी और मेरी बायोपिक आ रही है, उस बायोपिक में ये एक बहुत लीड रोल में रहेगी मुझे पता है। क्या ये सर जो बताए कि आप जब पहली बार जब सर के क्लास में आए थे तो आपको सर माथा पर एस आई ए लिखे थे? जी पहली बार ही लिख दिए थे कि क्या बोलते हैं, जब मैं यहाँ पे आई तो मतलब सर से मिली क्योंकि हमारे को और कोचिंग में मतलब एडमिशन नहीं मिला तो हम अपनी बहन वर्षा के थ्रू यहाँ पे आई थी। मतलब तो, और सारे कोचिंग में गई तो क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ा? सामना ही कुछ नहीं करना पड़ा, एडमिशन ही नहीं लिए वो। अच्छा एडमिशन ही नहीं लिए? नहीं एक होता है कि एडमिशन लेकर के बोला जाता है नहीं, वो सामना तो बचपन से करते आ रही हूँ डिस्क्रिमिनेशन की, ये वो बोला लेकिन वो एडमिशन नहीं लिए, उन्होंने बोला अगर तुम यहाँ पे आओगे तो हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा। देखिए सर एक टीचर होकर जब ऐसा बोल रहे हैं तो लोगों में क्या है? नहीं नहीं सर कोरोना काल के बाद का टीचर है, पीपीटी वाले टीचर है सर, उस समय टीचर हम नहीं मानते हैं, भले कोई जाके करोड़ों रुपया खर्चा करके अपना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलावे या कोई बोले कि दबदबा वाला बात, उन लोग को टीचर नहीं मानते हैं। आज भी मेरे साथ 10 मिनट शास्त्रार्थ करा दीजिए, मीडिया वाले के सामने मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट किसी भी टीचर से, कोरोना काल के बाद वाले सारे टीचर से पीपीटी देख के पढ़ाइएगा आप, अपने जिंदगी में कोई रिजल्ट दिए नहीं तो वैसी परिस्थिति में आप अगर किसी के साथ ही बात बोल रहे हैं, जब यू डोंट हैव इम्यूनिटी, यू डोंट नो अबाउट द इक्वलिटी, तो वैसी परिस्थिति में आप टीचर के योग है ही नहीं। और मुझे तो एपीजे अब्दुल कलाम ने गुरु की उपाधि दी है, तो अगर मैं इस तरह की बात सोचूं तो धिक्कार होगी मेरी जिंदगी में, उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और अब उन लोग पर हमको तरस के साथ साथ तरस भी आ रहा है, खुशी भी हो रही है कि बढ़िया हो रहे दुनिया में, बढ़िया हो कि तू लोग हटा दिया, नहीं हटाते तो ये सब नहीं आती, और नहीं आती तो निश्चित रूप से ये नया इतिहास नहीं बनता। चलिए आपका शुरू से जो बचपन से पढ़ाई की वो कैसा रहा? पढ़ाई ट्रांसजेंडर में ही किए या लड़का बन के या लड़की बन? लड़का बन के किए इसलिए सब कुछ ठीक रहा क्योंकि ट्रांसजेंडर बन के करते तो पढ़ाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि आप कितने ट्रांसजेंडर को स्कूल में देखते हैं पढ़ते हुए? नहीं देखते ना, बहुत कम देखते हैं ना सर, तो इसीलिए हम लड़का बन के ही सारा पढ़ाई की। मतलब कहाँ तक लड़का बन के पढ़ाई की? सारा पूरा ग्रेजुएशन तक, पूरा ग्रेजुएशन तक लड़का बन के किए। फिर उसके बाद कब सुने कि घर भी छोड़े थे, कब घर छोड़ी? 2014 में घर छोड़े जी, 2024 में मुझे नौकरी मिली, 10 साल लग गया मुझे यहाँ तक आते आते से। 10 साल लग गया जी। घर छोड़ने में आपको क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ा? मतलब कैसा? ऐसा कुछ था ही नहीं जिसका मतलब सामना ना करना पड़े सर। जब घर आप छोड़ देते हैं तो आपके पास मम्मी पापा खाना पीना घर परिवार सब छूट जाता है, तो मेरे पास भी जस्ट लाइक सब छूट गया था सर। मतलब घर नहीं गए 10 साल? बिल्कुल सर, देख सकते हैं कि 10 साल से घर छोड़ी एक ट्रांसजेंडर आज दरोगा बनी, और सबके मुँह पर जो यहाँ पे जो कोचिंग वाले भगाए हैं आज उनका देखिए क्या हाल होने वाला है। और सर बोले हैं जो भी परिस्थिति रहे हम उसी थाना में ही बनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह पोस्टिंग होगी क्योंकि ईश्वर की कृपा से, बजरंग मलिक अजीम कृपा से हमारे पुलिस विभाग में, पुलिस विभाग पर मेरी जबरदस्त पकड़ है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर मैं असीम विश्वास करता हूँ, नीतीश जी पर असीम विश्वास करता हूँ, तो निश्चित रूप से ये पोस्टिंग तो अपने इच्छा से मैं कराऊंगा जहाँ चाहेगी, लेकिन पहला पोस्टिंग 2 साल के लिए मैं कराऊंगा उस जरूर, ताकि वो सिखा सके, अब बता सके कि देख क्या होता है ट्रांसजेंडर, ये बता सके। और क्या बोलेगा जब उस क्षेत्र में जब जाइएगा तो आपका आपके समाज के लिए आपका क्या उस योगदान रहेगा? बस योगदान रहेगा कि हम जैसे यहाँ पे आए हम अपने और समाज और अपने सोसाइटी के लोगों को और आगे लाएंगे, उनको शिक्षित करेंगे, उनको हर संभव मदद करने का कोशिश करेंगे, और उनको आप महिलाओं और पुरुष के बीच में समाज में लाके उनको जीना और उनको कदम से कदम मिला के लड़ने के लिए साथ देंगे सर। साथ दीजिएगा ना। चलिए सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा?
पोस्टिंग होने के बाद सबसे पहले यही काम रहेगा कि मैं जिस पोस्ट को ग्रहण करूंगी उसके प्रति जो मेरा कर्तव्य होगा उसको मैं अच्छे और निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। आगे का क्या सपना है? आगे का IAS अधिकारी बनने का सपना। IAS जी। शादी ब्याह का भी सपना है सर, जो मेरे स्पेशल पर्सन मेरे लाइफ में, मैं उनसे शादी भी करूँगा। अच्छा, स्पेशल पर्सन है या क्या करते? पर्सनल क्वेश्चन डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।